वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि थर्मल एनालिसिस ऑफ इंजन सिलेंडर्स विद फिन्स एनसिस वर्कबेंच में किस तरीके से किया जाता है। आपके सामने तीन फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर वन, टू एंड थ्री। फिगर वन सिंपल सिलेंडर एंड फिन्स को शो कर रहा है, फिगर टू एंड थ्री थर्मल इफेक्ट को शो कर रहा है। पैरामीटर्स, टेम्परेचर इन साइड इंजन इज इक्वल टू 280 डिग्री सेल्सियस। इंजन के अंदर का टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस है। इंजन मटेरियल स्ट्रक्चरल स्टील है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि थर्मल एनालिसिस इंजन सिलेंडर का एनसिस वर्कबेंच में किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्कबेंच ओपन करना होगा। वर्कबेंच ओपन करने के बाद में स्टडी स्टेट थर्मल डिजाइन मॉड्यूलर को सिलेक्ट करेंगे। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज्योमेट्री पर राइट क्लिक कर डिजाइन मॉडलर को ओपन करेंगे। डिजाइन मॉडलर ओपन हो चुका है। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लुकेट पर क्लिक करेंगे। यूनिट्स को मिलीमीटर में रखेंगे और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर फिन्स बनाएंगे। उसके फिन्स बनाने के बाद में सिलेंडर बनाएंगे। फिन्स बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में प्रिमिटिव्स के अंदर में जाकर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहां से डायमेंशन वैल्यू 40 एंड 1 mm थिकनेस रखेंगे। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके का तीन और फिन्स बनाएंगे। और फिन्स बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से क्रिएट में जाएंगे, प्रिमिटिव्स के अंदर जाकर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। डिस्टेंस 10 mm रखेंगे दो फिन्स के बीच का, 40 40। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके का दो फिन्स और बनाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि फिन्स बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में क्या करना होगा, इसके बीच से मतलब फिन्स के बीच से सर्कुलर टाइप में होल या जो है पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले एक प्लेन को सिलेक्ट करना होगा, प्लेन सिलेक्ट एक्स वाई प्लेन। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे, प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केचिंग के अंदर में जाएंगे, सर्किल पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक सर्किल ड्रा करेंगे। उसके बाद में इसका डायमेंशन वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू 20 करेंगे। उसके बाद में एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ऐड की जगह पर कट करेंगे, कट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा वैल्यू और बढ़ा लेंगे, 32। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फिन्स से मटेरियल कट चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर एक सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर बनाने के लिए क्या करना होगा, क्रिएट के अंदर में जाएंगे, प्रिमिटिव्स के अंदर में जाकर बेंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसका डायमेंशन वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस 10 रखेंगे।
लेंथ 34 रखेंगे, विड्थ 2 रखेंगे, एक्स में 20 रखेंगे, वाई में 20 रखेंगे। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि सिलेंडर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको जेड में थोड़ा और बढ़ा लेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि सिलेंडर फिंस के साथ में बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में वर्कबेंच में जाना होगा। वर्कबेंच में जाने के बाद में मॉडल पर क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करने के बाद में एडिट पर क्लिक करेंगे। मॉडल ओपन हो रहा है, मॉडल ओपन हो चुका है। मेज पर क्लिक करने के बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे। ज्योमेट्री का मैचिंग हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे। इंसर्ट के अंदर में जाकर साइजिंग पर क्लिक करेंगे। यहां पर बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी का मतलब ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे, 2 रख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे, सॉरी अपडेट पर भी क्लिक कर सकते हैं। मेसिंग, ज्योमेट्री का मेसिंग हो चुका है अगेन। उसके बाद में स्टडी स्टेट थर्मल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का और बहुत सा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले टेम्परेचर पर क्लिक करेंगे। टेम्परेचर यहां पर ये जो इनसाइड वाला ये सरफेस है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। टेम्परेचर वैल्यू 280 डिग्री रखेंगे। उसके बाद में कन्वेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में राइट क्लिक कर सेलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल के साथ में ये वाला सरफेस पर क्लिक करेंगे, इनसाइड वाले पर, तो ये वाला पार्ट जो है अनसेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। टोटल 31 फेसेस सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद में ये फिल्म कोफिशियंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जब आप ये राइट साइड पर एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक ऑप्शन है इंपोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सा ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से आप स्टैंडर्ड एयर सिंप्लीफाइड केस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से सोल्यूशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में राइट साइड में थर्मल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे, फिर सॉल्व पर क्लिक करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहां से आप एनिमेशन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल हीट फ्लक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है, डायरेक्शनल हीट फ्लक्स भी देख सकते हैं। आई होप दोस्तों यहां पर आप समझ चुके होंगे कि थर्मल एनालिसिस सिलेंडर इंजन का एनसिस वर्क बेंच में किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।